इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय एक इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय एक आदम आदि की वंशावलियां आदम शेत एनोश केनान महललेल एरेद हनोक मतुशलह लेमेक नूह शेम हाम और येपेत एपेत के पुत्र गोमेर मागोग मादय यावान तुबल मेशेक और तिरास है और गोमेर के पुत्र अशकनज दीपत तोगरमाह है और यावान के पुत्र एलिशा तर्शीश और कित्ती और रोदानी लोग है हाम के पुत्र कूश मिस्र पूत और कनान है और कूश के पुत्र सबा हबीला सबाता रामा और सप्तका ये है रामा के पुत्र शबा और दनान है और कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ और मिस्र से लुदी अनामी लवाही नप्तही पत्रुसी कसलुही वहां से पलिश्ती निकले और कप्तोरी उत्पन्न हुए कनान से उसका जेठा सिदोन और हित्त और यबूसी एमोरी गिरगाशी हिव्वी अर्की सीनी अरवदी समारी और हमाती उत्पन्न हुए शेम के पुत्र एलाम अश्शूर अर्पक्षद लूद आराम ऊस हूल गेतेर और मेकेश है और अर्पक्षत से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुए और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई और दूसरे का नाम योक्तान था योक्तान से अल्मोदाद शुलेप हसरमावेत येरह हदोराम उजाल दिकला एबाल अभिमायल शबा ओपीर हविला और योबाब उत्पन्न हुए यही सब योक्तान के पुत्र है शेम अर्पक्षद शेलह एबेर पेलेग रू सरूग नाहोर तेरह अब्राम वही इब्राहिम भी कहलाता है इब्राहिम के पुत्र इसहाक और इश्माइल है इनकी वंशावलियां ये है इश्माइल का जेठा नबायोत फिर केदार अदवेल मिबसाम मिश्मा दुमा मस्सा हदद तेमा यतूर नापीश केदमा ये इश्माइल के पुत्र हुए फिर कतुरा जो इब्राहिम की रखेली थी उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात उससे जिम्रान योक्षान मदान मिद्यान इश्बाक और शूह उत्पन्न हुए योक्षान के पुत्र ये है शबा और ददान और मिद्यान के पुत्र एपा एपेर हनोक अबिदा और एल्दा ये सब कतुरा के पुत्र है इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ इसहाक के पुत्र एसाव और इसराइल एसाव के पुत्र एलिपज रुएल यूश यालाम और कोरह है एलिपज के ये पुत्र है तेमान ओमार सपी गाताम कनज तिमना और अमालेक रुएल के पुत्र नहत जेरह शम्मा और मिज्जाह फिर सेर के पुत्र लोतान शोबाल सिबोन अना दिशोन एसेर और दिशान है और लोतान के पुत्र होरी और होमाम और लोतान की बहन तिमना थी शोबाल के पुत्र अल्यान मानहत एबाल शपी और ओनाम फिर सिबोन के पुत्र अय्या और अना अना का पुत्र दिशोन और दिशोन के पुत्र हमरान एशपान इत्रान और करान एसेर के पुत्र बिल्हान जावान और याकान
और दिशान के पुत्र ऊस और अरान है। जब किसी राजा ने इसराइलियों पर राज्य न किया था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए, अर्थात बोर का पुत्र बेला और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा था। बेला के मरने पर बोस्त्राई जिरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ, और योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अवीत था। और हदद के मरने पर मस्त्रेकाई समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ। और बाल्हानान के मरने पर हदद उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाई था, और उसकी पत्नी का नाम महेतपेल था, जो मेजाहाब की नातिनी और मदरेत की बेटी थी। और हदद मर गया। फिर एदोन के अधिपति ये थे, अर्थात अधिपति तिम्ना, अधिपति अल्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोलीबामा, अधिपति एला, अधिपति पिनोन, अधिपति कनज, अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मगदियल, अधिपति इराम। एदोम के ये अधिपति हुए।